seksur namun kita menjadi tasma istri gurave nama gurave gaur chandraya radhikaya istadale krishnaya krishna bhaktaya tad bhaktaya namo namah vancha kalpataru rashta kripa sindhu bhavacha patitanam pavane vaishnavo namo namah brindaye tulasi jagai कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतने नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ हे जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण बंदन जाहि विघ्न नाश अभीष्ट श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे वेणु गीत, मतलब ये बंसी की क्या चमत्कारिता है। इसलिए कल हम सुन रहे थे, कहते भक्ति की प्रेम का एक लक्षण होता है कि जिसको अंदर में जितने भक्ति की भावना आए वो अपने आप को उतना छोटा समझता है, और जो महाभागवत होते हैं वो क्या देखते हैं, वो सभी का हृदय में भगवत दर्शन करते हैं और देखते हैं दुनिया में सबके सब भगवान की सेवा कर रहे हैं और केवल हम अभागा है, हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। कहते ये महाभागवत का लक्षण है। जैसे श्री राधा रानी, राधा रानी क्या कहती है, कहते मेरे अंदर में तो कृष्ण का प्रति एक बूंद भी प्रेम नहीं है। अगर प्रेम है तो उसका अंदर में, प्रेम है तो उसका अंदर में, प्यार है तो उसका अंदर में, हमारी तो श्याम सुंदर का प्रति एक बूंद भी प्रेम नहीं। ये कौन कहती है, बोले श्री राधा रानी ये बात कहती है। इसलिए ये प्रेम की भक्ति की एक विशेष लक्षण है। इसलिए यहाँ पर जो गोपियां कह रही है, अगर जगत में कोई धन्य हो तो कौन है धन्य है, कहते बंसी, ये बंसुरी का जीवन धन्य है, क्योंकि कृष्ण बंसी कभी छोड़ते ही नहीं, कभी हाथ में, कभी कमरे में, कभी अधर में, कभी बगल में। और हम गोपियां और कृष्ण गोप, इसलिए कृष्ण के अधरामृत में हमारी ही अधिकार है। लेकिन देखो देखो तो सही, जैसे ये अंगूठा दिखा दिखा करेंगे ना हमें, हमारे जो अधिकार को यही सारे हमारे अधिकार को छीन रहा है, हैं? कृष्ण का सारे अधरामृत को यही पान करता है और एक बूंद भी नहीं छोड़ता है। इसलिए अगर जीवन में धन्य, अगर किसका जीवन है, किसकी जीवन धन्य है, कहते बंसुरी की। इसलिए राधा रानी कहती मैं और अगले जीवन में और मैं राधा बनकर के नहीं आऊंगी, हैं? बनकर के आऊंगी तो क्या बनकर के आऊंगी, बंसुरी बनकर के आऊंगी। फिर राधा रानी कहती है अगर मैंने बंसुरी बन करके आऊं, मतलब बांस बन करके आऊं, फिर कृष्ण को पता चलेगा कि नहीं, बोले कृष्ण तो सब जानते हैं, अगर बंसुरी बन करके आएंगे ना उनको पता चलेगा राधा रानी ही ये बंसुरी बन करके आई है, फिर तो हमें हर समय अपना पास में रखेंगे, इसलिए अगले जीवन में मैं बंसुरी बन करके आऊंगी और राधा बन करके नहीं आऊंगी। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे सरोवर में जो पुष्प खिला हुआ, बोले इतने खुश क्यों है, फूल खिला हुआ नहीं, कहते वो प्रसन्न हो रही हैं क्योंकि हमारी पानी को पी पी करके ये वास बड़ा हुआ है ना। इसलिए देखो हमारा कितने सौभाग्य है, अगर किसी माँ की बच्चा अगर प्रभु की भजन करता है तभी माँ का गर्भ धारण करना सार्थकता, नहीं तो श्री हमारे श्री सुमित्रा कहती है माँ को अपने तो बांध रहनी चाहिए, बच्चा जन्म नहीं
देनी चाहिए, क्योंकि देखो सुअर तो एक कितने बच्चे जन्म दे देती है, तो बच्चा देने का क्या लाभ है अगर वो प्रभु की भजन नहीं करे। हाँ बच्चा देना तभी लाभ है जब भजन करे। इसी जगत में जैसे किसके बेटा अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, माँ को कितनी गर्व होता है, अरे देखो बात बात में बोले देखो जानते हो अमुक व्यक्ति कौन है, मेरे बेटे हैं, कितना अभिमान होता है, कितने खुश होती है। कभी ये पद तो बेकार है, कभी गले पे फूल की माला, कभी जूता की माला, हाँ कभी जूता की माला और कभी गोली चला देते हैं। लेकिन जगत में सबसे जो बड़ा पोस्ट है, अगर कोई कृष्ण भक्त बोल करके अगर किसका नाम हो गया ना, कहते इससे बड़ा जगत में और पोस्ट कुछ है नहीं। दुनिया चरण में झुकते हैं, दुनिया प्रणाम करते हैं, दुनिया उनका सम्मान करते हैं। अगर बेटा अगर भगवान का भजन में लग गया तो इसमें जय जयकार हर समय है, इसमें कभी भी बदनाम किसकी हुई नहीं जो भगवान की भक्ति करती है। इसलिए यहाँ पर कहती है, कहती ये फूल क्यों खिल रहा है, कारण क्या, खुश हो करके। अरे हमारे पानी पी करके बालश्री तब तो बड़ा हुआ ना, इसलिए हमारा जीवन धन्य है। हमारा वंश में ऐसे एक बांस के टुकड़ा बना जो भगवान कृष्ण जो बांस के टुकड़े को हर समय लेकर के अपना पास में रख रहे हैं। इसलिए पेड़ों से जो मधु जरता है, हाँ पेड़ से पुष्पों से जो मधु जरता है, भले मधु जर नहीं रहे, वो आनंद से आंखों से अश्रु वर्षित हो रहा है, खुश होकर के। एक तो रो करके आंखों से आंसू निकलता है, और एक हंसते ज्यादा आनंद हो ना तभी आंखों से भी आंसू निकलती हैं। कहती है आंसू नहीं, ये मधु नहीं, आंखों से आंसू निकल रहा है। बोले क्यों, वो सोच रहे हमारा जीवन धन्य है। हाँ हमारी हाँ वंश में एक बेटा भगवान ने भक्ति किया, इसलिए इस सब बात को राधा रानी गोपियां कह रही हैं। अगर जीवन धन्य किसकी है तो किसका जीवन धन्य है, ये बंसुरी का जीवन धन्य है। इसलिए हम सब के सब बंसी बनकर गए, और हम और राधा बनकर गोपी बनकर के नहीं आएंगे। इसलिए कल हम इस बात को सुन रहे थे, वृंदावन कैसे धन्य है, कृष्ण कैसे बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी ध्वनि करते ही हाँ ये वृक्ष का जितने फूल है अपने आप खिल जाता है। हाँ कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, और जब वृंदावन से वापस आते हैं, तो अपने आप जितने फूल है ना वो अपने आप मुरझा जाती है। बोले क्यों, बोले कृष्ण चले गए, हम खिल करे करेंगे क्या, हाँ जब कृष्ण आएंगे फिर हम खिलेंगे, फिर कृष्ण की हम सेवा करेंगे। इसलिए कहते अगर जगत में किसी के धन्य है तो किसका धन्य, बोले वृंदावन धाम धन्य है, जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण अजन्मा होते हुए भी जहां पर कृष्ण जन्म लेते हैं, हाँ? और कृष्ण के चरण का स्पर्श पा करके ये पृथ्वी अपने आपन को धन्य करते हैं, धन्य मानती है। क्यों, कृष्ण जब चलते हैं ना उनका चरण स्पर्श पृथ्वी में होता है, और जहाँ चरण रखते हैं कृष्ण का चरण में उन्हीं से चिन्ह होता है, उन्हीं से चिन्ह चरण में, ध्वज वज्र अक्कू अंकुश पताका झंडा स्वस्ति ये उन्हीं से चिन्ह। जब कृष्ण जितने बड़े हुए ना इनका चरण भी बड़ा हो रहा है, अब पृथ्वी के ऊपर प्यार रखते ही पूरा उन्हीं से चिन्ह एकदम वृंदावन के ऊपर में पड़ता है, उन्हीं से चिन्ह। पृथ्वी तो अपना जीवन को धन्य मानती है, इसलिए हम तो कल सुन रहे थे घास नहीं, जो पृथ्वी में घास नहीं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आनंद हो ना शरीर का रोंगटे खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते, वो घास नहीं ये पृथ्वी की कृष्ण का चरण से पास पाकर रोंगटे खड़े हो जाए हैं। बल्कि ये गिरिराज गोवर्धन अपना जीवा निकाल देती हैं, हाँ प्रभु का चरण मेरे जीवा के ऊपर में पड़े, अपना हृदय को बिछा देती हैं। ये झरना नहीं, वो प्रसन्न होकर के आंखों से उसके आंसू बह रहे हैं, अरे भगवान का कृष्ण का चरण स्पर्श मुझे हो रहा है, क्योंकि जिस चरण के लिए ब्रह्मा शंभु अमरवती गणेशार्चित पद, जो चरण को ब्रह्मा शंकर नारद लक्ष्मी और गणेश भी जिस चरण को अर्चन करते, वो चरण आज हमें वो चरण प्राप्त हो रहा है। इसलिए गोपियां अपना घर में बैठी करके अपना दिव्य नेत्र को द्वारा सब चीज को दर्शन करते करते हाँ कृष्ण कृष्णा उनके धाम और श्री बंसुरी की महिमा बता रहे हैं। उसके बाद में कह रहे हैं वृंदावन की हिरणिया कितने धन्य है। बोले क्यों धन्य है,
बोले धन्यास्म मूढ़मतयो अपिहरन् एता जानन्दनन्दनं पुत्र विचित्रवेषम् आकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधिर्विरचितां प्रणयावलोकय। यहां पर कह रहे हैं पहले उन्होंने बताए वृंदावन की पक्षियों का कितना महिमा है, क्योंकि कृष्ण कल सुन रहे थे कृष्ण क्यों मयूर पंख धारण करते हैं। कारण है कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी ध्वनि सुन करके ये मयूर थिरक थिरक करके नाचने लग जाता है। मयूर कब नृत्य करता है, जब आकाश में काला मेघ देखे, जहां पर बिजली चमके और घड़घड़ शब्द हो, तभी मयूर पंख खोल करके नृत्य करता है। इसलिए कहते कृष्ण का शरीर जैसे मेघ है, पीताम्बर कैसे स्थिर विद्युत है, बंसी ध्वनि कैसे जैसे घड़घड़ शब्द होता है। इसलिए मयूर थिरक थिरक कर नृत्य करते करते इतने खुश होती है। बोले कृष्ण को मुझे कुछ देनी चाहिए। बोले क्या दे, मेरे पास में मेरा पंखा और तो कुछ है ही नहीं। वो अपना पंखों को झाड़ देता है और एक पंखा गिरता तो कृष्ण वहां से उठा करके अपना सर पर लगा देते हैं। इसलिए कृष्णा ये मयूर पंख लगाते हैं। कहते ये पक्षियों का बात तो छोड़ दो, ये पक्षियां तो धन्य है ही है, लेकिन वहां तो बोले धन्यास्म मूढ़ मतयो अपि हिरण्याता। कहते वहां के पशुओं के विषय में क्या बोलेंगे। इसलिए यहां पर कहते धन्यास्म, स्म शब्द मतलब होता है आश्चर्य होना। जैसे कोई व्यक्ति चीज को हम देखते हैं ना, वाह रे हाय इतने सुंदर, अहोभाग्यम अहोभाग्यम, जैसे ब्रह्मा कहते हैं ना, जैसे अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रज गोसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कहते ये कृष्ण कौन है। बोले कृष्ण साधारण नहीं, ये पूर्ण, ये ब्रह्म और ये सनातन है कृष्णा, ये साधारण है नहीं। इसलिए कहते धन्यास्म मतलब कहते अगर किसका जीवन धन्य है ना, बोले किसकी धन्य जीवन है। बोले हिरण्य एता, ये हिरण का जीवन धन्य है, ये हिरण्य का जीवन धन्य है। बोले क्यों। कहते ये मूढ़ मत है, वो जानवर में थोड़ी कोई बुद्धि होते हैं, हम गाली देते ना, अरे जानवर जैसे हैं, हम गाली देते हैं ना, जानवर जैसे कोई बुद्धि विवेक नहीं। हिरण का क्या बुद्धि विवेक है, कोई बुद्धि जानवर है। लेकिन ये जानवर होते हुए भी, इसलिए इनका एक नाम बताया कृष्ण सार। हिरण का एक नाम है कृष्ण सार। बोले कृष्ण सार का मतलब किया, जिसने अपना जीवन को कृष्ण को ही जीवन का सार समझ लिया है, इसलिए हिरण का एक नाम कृष्ण सार। बोले सचमुच से इसका जीवन धन्य है। बोले क्यों जीवन धन्य है। बोले कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी ध्वनि सुनते ही जो हिरण है बड़ा तेज होता है, उनको पकड़ना बड़ा कठिन है, वो कोई नहीं पकड़ सकते। लेकिन उसका कमजोर क्या है, कमजोर उसका कान है। क्यों, कोई अगर सुरीली शब्द सुने ना, हिरण एकदम पागल हो जाता है, पागल होकर भागने लगता है। इसलिए कृष्ण जब बंसी ध्वनि बजाते हैं, बंसी ध्वनि में इतने चमत्कारिता, रूप गोस्वामी कहते हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने म्यूजिक है, जितने वाद्य है, उसका जो मधुरता को एक तरफ में रख लो और कृष्ण का जो बंसुरी की जो मधुरता है, कहते जैसे एक अथाह समुद्र जैसे है, कहते उसको एक बूंद को सामने विश्व ब्रह्मांड का सारे म्यूजिक की सुंदरता को एकत्रित कर लो, तभी आप बराबर नहीं कर सकते हो। अब विशेष कर कृष्ण जब बंसी ध्वनि करे, जब कृष्णा बंसुरी बजाए, वहां पर कहते रुंधन विपरीत चमत्कृत परम कुर्बन मुहुस्तुम्ब। रूप गोस्वामी कहते हैं जब कृष्ण बंसी ध्वनि बजाते हैं, उस समय ब्रह्मा जी का ध्यान टूट जाता है और जो शेष नाग जो पृथ्वी को सर पर धारण करके रखी, उनका सर टकमगाने लग जाते हैं। नारद आदि की वीणा यंत्र बंद हो जाता है, चतुसन का ध्यान टूट जाती है। इसलिए कृष्ण का बंसी ध्वनि को सुन करके, ऐसे कृष्ण की बंसी ध्वनि की चमत्कारिता। इसलिए कहते कृष्णा जब बंसी ध्वनि करते, उसी समय ये जो हिरण है, वो हिरण ये बंसी ध्वनि सुनते ही एकदम पागल हो जाती हिरणिया। जब पागल हो जाती, राधा रानिया कह रही हैं, और वो क्या करती हैं, कृष्ण की तरफ में भागती जाती है। बोले प्रणयावलोकय, कृष्ण
कृष्ण के जब दर्शन करती हैं, कैसे दर्शन करती हैं, बोले ऐसे नहीं, बोले प्रणया, बोलो कोई प्रेम को द्वारा दर्शन करती हैं। जैसे हम ठाकुर जी का आरती उतारते हैं ना, ठाकुर जी का आरती उतारते हैं, वो लोग कैसे आरती उतारते हैं, बोले आंखों के माध्यम से, हाँ दर्शन के माध्यम से कृष्ण को भाव नेत्र से कृष्ण भी आरती उतारती है। और इनकी जो पत्नी है, पत्नी आगे चलती, और जो पति लोग है ना उसको पीछे 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 पति लोग चलते हैं, हाँ चल करके उसको मदद करते हैं। अरे हमारी पत्नी के में देखो कैसे भक्ति, हमारी पत्नी में कृष्ण के प्रति इसकी कितने प्रेम है, कितने भक्ति इनके अंदर में, हाँ इसलिए उनको आगे कर देती हैं। आगे करके यहाँ पर वेणुगीत का कोई फोटो नहीं रखा हो ना, वेणुगीत का कोई फोटो नहीं रखा है, वेणुगीत का कोई फोटो रखा, कोई फोटो नहीं है, फोटो लगा देना इसमें। उसमें ना गुरुदेव ने सारी चीज को व्याख्या की, और श्याम रानी ने कोशिश की एक एक चीज को, वो वेणुगीत में एक एक चीज को उसमें रूप देने के लिए उसने कोशिश की है। इस सारी चीज को सामने कैसे हिरण आकर कृष्ण को दर्शन कर रही है, और उसका जो पति है ना वो पीछे से खड़े होकर के उसको मदद कर रही है। और पति सोचता है मेरे प्रति तो कृष्ण का कोई प्रेम है ही नहीं, लेकिन कम से कम मेरे पत्नी का तो प्रेम है। इसी नाते मेरे जो जीवन है ये धन्य है मेरे जीवन, क्योंकि मेरी पत्नी की भगवान के प्रति प्रेम है मेरे पत्नी की। लेकिन यहाँ गोपियां के थोड़ा पानी ला दो, यहाँ पर गोपियां कहती हैं, यहाँ पर तो पत्नी की प्रेम देख करके उसका पति खुश होता है, कम से कम मेरे में तो प्रेम नहीं, मेरी पत्नी में तो प्रेम है ना, इसी वजह से होगा मेरे जीवन में धन्य हो जाएगा। इसलिए जगत का नियम है, जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भजन करता है, अगर हमसे भजन नहीं हो, हाँ अगर हमसे भजन नहीं हो, अगर पीछे से अगर हम उसको मदद कर देते हैं भजन में, इसलिए जो मदद करने वाले होते हैं कहते उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। इसलिए इसलिए भागवत में बताया, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत वा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह भी। भागवत धर्म का भक्ति धर्म की महत्व बता रहे हैं, कितने भक्ति धर्म की महत्व है। अगर कोई भागवत सुने, अगर नहीं हो पाए अनुपठित, अगर कोई पढ़े, अगर इतना भी नहीं हो पाए, अगर कोई भागवत भक्ति धर्म हो रहा है, भजन कर रहे हैं, बल आदरित वा अनुमोदित, अगर आदर कर ले, अनुमोदन करे, भागवत कथा हो रही, भगवान की भजन कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, बढ़िया चीज है, अच्छी बात है। अगर कहते इतना अगर कोई बोल देना, बोले सत्य पुनाति सद्धर्मम जाति विश्वद्रोह भी, कहते वो व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं, कभी उसने देव द्रोह किया, देवता को द्रोह अगर किया, कभी विश्व में द्रोह किया, अगर करने पर भी उसी समय सारे पाप से मुक्त होकर के अपना भगवत गति को प्राप्त करता है, इतने ये भागवत धर्म की इतने महिमा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात अर्जुन, मेरे भक्ति की इतने महिमा है, अगर मेरी भक्ति के लिए कोई थोड़ी सी कुछ कर देना, मैं उसको जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए निकाल देता हूँ। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं, देखो देखो तो सही, जब इनकी पत्नियां कृष्ण के प्रति प्रेम भरे नेत्र में कृष्ण को दर्शन करते हुए आरती उतारती हैं, पति लोग क्या करते हैं, पीछे खड़े होकर के उसको मदद करते हैं, कहते तो कम से कम भैया हमारी पत्नी की तो कृष्ण का प्रति प्रेम, लेकिन हमारी पतियों को देखो, गोपियां कहती हैं अगर इनको भनक भी लग जाए ना, पता थोड़ी सी चल जाए, हमारी जो पत्नियां कृष्ण को प्रेम करती हैं, कृष्ण को प्रेम करती, उनका तो ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, और उनको हमको हमारे प्रति तरह तरह का उन लोगों ने बाधा देते हैं, खबरदार घर से निकल नहीं सकते हो, खबरदार कृष्ण को दर्शन करने नहीं जा सकते हो। बोले एक समय कोई एक गोपी, नई गोपी आई ब्रज में, नई गोपी ब्रज में आई तो इतने में उसकी जो सास थी ना, तो सास ने उसकी बहू को बता, बोले बहू जी खबरदार, सारे जो कुछ काम करना करना कर ले,
लेकिन जो नंद के लाला है ना कृष्ण के, नहीं खबरदार उसको प्रति कभी नजर डालना नहीं, कभी उसको देखना नहीं। हाँ खबरदार उसको प्रति कभी देखना नहीं। अब देखना जगत का के नियम है, अगर तुमको कोई चीज मना करे ना ये मत मत करो, मन ज्यादा जाता है, मन ज्यादा जाता है, बात क्या है, क्यों मना कर रही सास। कृष्ण को देखना नहीं, उसकी कथा सुनना नहीं, नजर में नजर नहीं बोलेना, क्यों बात है। उसने जाकर के अपना ननंद जी को बोले, बोले ननंद जी ये बताओ ये सास क्यों मेरे को बार बार बोलती है कृष्ण को देखना नहीं, उसका नजर में नजर नहीं डालना, हाँ उसके साथ तुम क्या बात है। इतने में ननंद कहती है अरे ये तो ऐसे बोलते रहते, डोकरी होगी ना बुढ़ी होगी, हाँ इसको प्रेम के बारे में क्या बताए, इसको प्रेम के बारे में पता नहीं है तो डोकरी हो गई बुढ़ी हो गई, इसको बुद्धि मारी गई, इसकी बात मत सुना करो। बोले ये बताओ तो सही क्यों कहती है। बोले देखो एक बार अगर उसका नजर में नजर मिला दिया ना, बस उसका आंख नहीं वो जादू है, उसका मुस्कान नहीं वो जादू, तेरे से चितवन नहीं वो तीर चलाता है वो तीर चलाता है। इसलिए जैसे कामदेव में पांच बाण होता है ना, कामदेव के पास में पांच बाण है, सन्मोहन उच्चाटन स्तंभन शोषण करके, ऐसे ही कृष्ण का जो रूप में इतने सुंदरता है, अगर उनको कोई एक बार देख लिया तो फिर कहीं के नहीं रह जाते, पर तो राधे राधे बोलो वृंदावन में डोल, फिर सब जो देखेगा पागल बन जाता है। इतने में अगर कृष्ण को साथ में कोई चैलेंज करे ना, कृष्ण भी साधारण नहीं वो भी चैलेंज करते हैं, इसलिए कृष्ण के साथ में कभी चैलेंज नहीं करनी चाहिए, वो भी बड़ा चैलेंज है, वो भी बड़े कलाकार है। कृष्ण ने देखा ये कह रहे ही अपना बहू को, कृष्ण के साथ में प्रेम मत करो, उसको मत देखा करो, अभी हम दिखाता हूँ। इतने में क्या हुआ, एकदम कृष्ण वहां प्रकट हो गए। जब कृष्ण प्रकट हो गए, उसकी सास ने जब देखा कृष्ण प्रकट हो गए, कितने सुंदर त्रिभंग ललित रूप, बड़ी मीठी मीठी बंसरी बजा रहे हैं, तेरे से चितवन है उनकी घुंघराली केस और पीताम्बर, तीन जगह से कृष्ण, तीन जगह से वो टेढ़े हैं कृष्ण। कृष्ण जब प्रकट वहां पर हुए ना, इतने में उसको जो सास, कृष्ण वहां प्रकट हो गए, इतने में उसको सास ना भूख पकड़ लिए, बोले खबरदार कृष्ण की तरफ में देखियो मत, एक बार उसको देख लिया ना आवाज किसी काम की नहीं रह जाओगी। इतने में उसको सास ने उसको पकड़ ली, पीछे मोड़ कर मत देख, जो कुछ करना कर ले। लेकिन इतने में कृष्ण तो बड़ा कलाकार है, इतने में कृष्ण का जो तस्वीरी वो जो उसका जो सास है ना उसको आंखों में प्रतिबिंब हुई पड़ी। जब पड़ी कृष्ण खड़े हुआ, यहाँ पर बहू खड़ी, यहाँ पर सास खड़ी, और कृष्ण खड़े हुआ उसका जो तेरे से चितवन और कृष्ण का जो छवि वो सास की आंख आंख में पड़ रही है। इतने में बहू जब देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, सास का आंखों में, वो आंखों में देख रहे हैं कृष्ण बैठे, और वो बोल रहे हैं पीछे मत देखो पीछे मत देखो, लेकिन वो कहाँ देख रहे हैं कृष्ण को, उसकी आंखों में दर्शन कर रही हैं। इतने में बहू बोलती है, बोले सास तू जो कुछ करना कर, लेकिन आंखों का पलक मत झपकना, पलक नहीं झपना, झपाना, क्योंकि वो दर्शन करे उसके आंखों में कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। बस कृष्ण को देखा तो बस कृष्ण की बन गई है, कृष्ण की बन गई। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं अगर जगत में किसकी जीवन धन्य है, किसकी जीवन धन्य है, कहती है हिरणियों का जीवन धन्य है, हिरणियों का। इसलिए पहले धन्यास्म मूढ़गतयो अपि हिरण्यता जा नंद नंदन उपात्र विचित्र वेशम, कहते कृष्ण का वेश कैसे वर्णना करते, विचित्र वेशम, बड़े सुंदर वेश है कृष्ण का, अद्भुत कृष्ण का वेश है, वहां उसका जो ड्रेस है ना अद्भुत, उसका ड्रेस की करामती है, इसलिए कहते हैं कृष्ण ड्रेस क्यों पहनते हैं। हम लोग जैसे श्रृंगार करते हैं ना, किस लिए श्रृंगार करते हो, तरह तरह के कपड़े लते क्या क्या से श्रृंगार करते, क्यों हमारी सुंदरता बढ़े। कृष्ण जो श्रृंगार करते हैं क्या कृष्ण की सुंदरता बढ़ने के लिए, बोले नहीं कृष्ण की सुंदरता बढ़ने के लिए नहीं, कृष्ण जो श्रृंगार करते हैं जो चीज को अपना शरीर में धारण करते हैं उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, कृष्ण की सुंदरता नहीं बढ़ती। बोले कृष्ण ये कपड़े क्यों पहने, बोले इसलिए पहने कृष्ण
कृष्ण का ऊपर नजर किसकी ना ले जाए। कृष्ण इतने सुंदर है, वो अपना सुंदरता को ढक कर रखते हैं, क्योंकि किसको इनकी नजर किसकी उसको ऊपर नहीं लग जाए। इसलिए एक समय कोई एक सखी कहती है, कहते हैं राधे आज तो मैंने श्याम सुंदर अपना चरण से लेकर के उनकी मुखारविंद तो संपूर्ण रूप में हमें कृष्ण का दर्शन किया। राधा रानी कहती है तुम्हारे जीवन तो धन्य है, तुमने श्याम सुंदर को पूर्ण रूप में दर्शन किया। बोले सखी कृष्ण इतने सुंदर इतने सुंदर, जब मेरा नजर कृष्ण का कोई एक अंग में लग जाए जैसे चुंबक चिपक जाती है, मेरी आंख वहां चिपक जाती है, क्योंकि कृष्ण का जो सुंदरता है अगर उनके चरण के नख के ऊपर हम नजर लग गया नजर पड़ गया वो नख में इतने सुंदरता है, इतने सुंदरता कृष्ण के चरण के नख में जिससे ब्रह्म प्रकट होता है, जिसकी छटा से ये ब्रह्म निकलता है, मेरा नजर तो वहीं पर लग जाती है, वहां से मेरा नजर तो हटती नहीं कहीं भी लग जाए। इसलिए बोले नमामि नंद नंदनम, 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 त्रिभंगदेह सुंदरम। और उसमें क्यों भजन में गाते हैं अनंत कोटि मोहनम नमामि नंद नंदन, बोले अनंत कोटि मोहनम कोटि कोटि कंदर्व कमनीय विशेष शोभम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भजामि करोड़ काम देव भी जहां पर परास्त हो जाते हैं। इसलिए उनका नाम मदन मोहन है, मदन को भी जो मोहित करने वाले। इसलिए कहते विचित्र वेशम, कृष्ण का जो श्रृंगार है वो विचित्र कृष्ण का श्रृंगार है, अद्भुत कृष्ण का श्रृंगार है कृष्ण का। इसलिए कहते आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधिर विरचिताम प्रणयावलोपई, बोले आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा, ये कृष्ण सार मतलब ये हिरण जब कृष्ण की बंसी ध्वनि श्रवण करते हैं, आकर्ण एकदम कान रूपी दोणा, ये कान को देखो कैसे दोणा है ना, दोणा समझते हो कफ, जैसे कफ किस कफ को द्वारा जैसे कोई चीज को पान करते हैं ना, इसलिए भगवान ये कान कैसे बनाया जैसे कफ जैसे बना दिया दोणा जैसे बना दिया है। इसलिए ये हिरणिया क्या करती कान रूपी दोणे के द्वारा कृष्ण की बंसुरी रूपी अधरामृत को एकदम पान करती रहती है, उसका एकदम पान करती रहती है। इसलिए राधा रानी कहती है अगर इसकी जीवन धन्य है ना, कहती है मूढ़ मतयो, ये मूर्ख हिरण्य होने पर भी इनका जीवन धन्य है, क्योंकि कृष्ण की बंसी ध्वनि को कान रूपी दोणे में ये पान करती रहती है। और प्रणयावलोकई जब कृष्ण को दर्शन करते, कैसे दर्शन करते हैं, प्रेम को द्वारा दर्शन करते हैं, प्रणयावलोकई अवलोकन करते हैं, मतलब आंखों के द्वारा कृष्ण को आरती उतारते हैं। इसलिए इनका ही जीवन जगत में धन्य है। उसको बाद में कहते हैं बोले कृष्णम निरख्य बनितो सब रूपशीलम श्रुत्वा च तत्कोणित बेनु विचित्र गीतम दिव्य विमान गतयो स्मरणानुसारा भ्रसन प्रसुन कवरा मुमुहु विनिभ्य। कहते कृष्ण मनीख बनित स्वरूप शीलम, कहते ये जो हिरण है ये कहाँ के हैं, कहते वृंदावन के हिरण, ये वृंदावन के, कहते देखो ये वृंदावन के पशु पक्षी तो धन्य है ही है, लेकिन देखो देखो तो सही आकाश का जो देवियां है कहाँ रहती है, ये स्वर्ग में रहते हैं, हैं ये स्वर्ग में रहते हैं, और स्वर्ग में जो देवियां होती है उनका रूप कभी परिवर्तन नहीं होता, एक सा रूप रहती है। हम कहते ना देखो ये देखने में कैसे देवी जैसे, मतलब बहुत सुंदर देखने में है, ये देवी जैसे सुंदरता है। कहते देखो ये देवियों का
दशा तो देखो, ये हिरण की बात छोड़, इनकी अवस्था देखो। बोले कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं ना, कहते कृष्ण का रूप कैसे है, यहां पर कहते कृष्णम निरीक्ष बनित तो स्वरूप शीलम। कहते ये कृष्ण का जो रूप है, बनिता रूप शीलम, मतलब है कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण का जो रूप है विशेष कर किसको आनंद देने वाले हैं। कहते ये स्त्रियों को विशेष करके आनंद देता है, सबको तो आनंद देता है ये है, लेकिन विशेष करके बनित्सा रूप शीलम, मतलब कहते स्त्रियों के लिए कृष्ण का जो रूप है उनके लिए तो सबसे ज्यादा माधुर्यमय है, सबसे ज्यादा माधुर्यमय इनके लिए है। इसलिए कहते जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी ध्वनि करते समय जितने सारे देवा देवी भी आकाश मार्ग से विमान से आ जाते हैं। जब विमान में आ जाते हैं कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, वो बंसी ध्वनि सुनते हुए कहते जो देवियां सुंदर श्रृंगार करती हैं, देवियों श्रृंगार करती हैं, लेकिन जब कृष्ण रूप को देखते हैं ना, कृष्ण रूप को देखते ही कहते उनको जो सुंदर जो केशों में सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार करती है, अपना शरीर को सुंदर रूप में श्रृंगार करती हैं, अपना अलंकार से ये सुंदर रूप में श्रृंगार करते हैं, लेकिन जब कृष्ण का रूप दर्शन करते हैं, कृष्ण रूप दर्शन करते ही उसी इसी समय में उनकी जो जो चोटी में सुंदर जो फूलों की श्रृंगार करते हैं ना, वो भी कभी खिसक जाती है। और कभी कभी वो जो कपड़े जो पहने हुए रखती है वो कपड़े कभी कभी शरीर से खिसक जाती है। अगर किसी पति पत्नी किसी कहीं जाए, अगर पत्नी किसी दूसरे पुरुष को देख करके वहां पर पत्नी मुग्ध हो जाती है, पति क्या सहन करेगा? कर देखो मेरे साथ में मेरी पत्नी मेरी बीवी और मेरे ऊपर आकर्षण है वहीं होकर के, और ये दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण हो रही है, और दूसरे पुरुष के प्रति देख करके देखो कैसे मुग्ध हो रही है, और शरीर का पति को क्या ईर्ष्या होता है पति को, या मेरे प्रति मेरे को पसंद नहीं दूसरे को पसंद है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, हाँ यहाँ पर कहते हैं, लेकिन जो देवता लोग देवा देवी दोनों आते हैं, लेकिन देवता लोग ईर्ष्या नहीं करते हैं, देवता लोग ईर्ष्या नहीं करते हैं। कहते भैया हमारा जीवन भी धन्य है, क्योंकि हम इनकी पत्नी हैं, ये हमारी पत्नी है, हमारे तो कृष्ण का प्रति प्रेम है ही नहीं, कम से कम हमारा पत्नियों का तो कृष्ण का प्रति प्रेम है, हमारा पत्नियों का तो कृष्ण का प्रति प्रेम, धन्य हो गए हम लोग, हम ऐसे स्त्री प्राप्त किए जिस स्त्री की प्रेम कृष्ण का प्रति कृष्ण प्रेम, इसकी कृष्ण का प्रति इनकी प्रेम है। इसलिए वो ईर्षा द्वेष नहीं करते हैं बल्कि उससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं राधा रानी अगर हमारा पति को पता चले ना हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, वो तो हम घर से निकाल देंगे, ले जाओ वहीं पर जाओ वृंदावन में रहो, हमारे घर में रहने का कोई जरूरत नहीं, कृष्ण को प्रेम करो और वहीं पर रहो। लेकिन वह लोग वहां पर उनको प्रति द्वेष नहीं करते, ईर्षा नहीं करते हैं। इसलिए कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके जो मेघ है वो भी मेघ आकाश में छा जाती है, कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके छा जाती है, छा कर क्या करती है कृष्ण के ऊपर में सुंदर छाया कर देती है, छाया कर देती है। बोले क्यों छाया कर देती? बोले कृष्ण का रंग और मेघ का रंग एक ही है, इसलिए भगवान का जो शरीर बताया कैसे नभ जल घनधर श्याम, इसलिए उसमें बताया ना जय जय दे बहरे, जय जय दे बहरे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल, जय जसोदा दुलाल, जय जय दे बहरे। वो कीर्तन में कहते हैं भगवान की जो रंग है कैसे है, नभ जलधर घन श्याम भगवान को बताया है, भगवान का जो रंग है एकदम मेघ जैसे रंग भगवान की है, एकदम नवीन मेघ जैसे। इसलिए जो मेघ और कृष्ण का रंग मेघ का रंग बराबर है, इसलिए अगर किसका रंग बराबर हो ना अपना दोस्त मानते, भैया देखो इसका रंग हमारे रंग एक ही जैसे रंग है, हमारे दोस्त है, इसलिए वो कृष्ण को क्या मानती है, ये हमारे दोस्त हैं, दोस्त मानकर क्या करते हैं उनका सर के ऊपर में आकर के जैसे छत्री धारण करते हैं,
उनका छत्री धारण करते हैं, और सुंदर सुंदर जब फुहारा होता है ना पानी, हाँ जैसे फुहारा होता है, फुहारा में जैसे पानी देते हैं, ऐसे ही वो भी ऐसे कृष्ण के ऊपर में बारिश बरसाते हैं, सुंदर फुहारा सा बारिश बरसाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रही हैं श्री ब्रज गोपियां, राधा रानी कह रही हैं, अगर जीवन किसकी धन्य हो तो किसका जीवन धन्य है, कहती ये जो स्वर्ग में जो देवियां हैं। इसलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं एक प्रेम का एक लक्षण है, इसको कहते हैं मोटाइतम, हाँ कहती ये महाभाव का लक्षण है मोटाइतम। मोटाइतम मतलब होता है कहते जब कृष्ण रूप दर्शन करते हुए संपूर्ण शरीर के हुद्भुद को कोई संपूर्ण खो बैठे, कपड़ा पहने कि नहीं, घर में श्रृंगार है कि नहीं, हाँ जिस समय कृष्ण दर्शन करते हुए पूरा शरीर का हुद्भुद खो बैठे उसको मोटाई कहते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं ये स्वर्ग की देविया होने पर भी ये भी कृष्ण रूप दर्शन करते हुए और कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके ये भी मुग्ध हो जाती है। अगर किसकी जीवन धन्य हो तो स्वर्ग में ये देवियों का जीवन धन्य है जो कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है। बोले गावश्च मुख निर्गित वेणु गीतम पीयूष मुत भीत कर्ण पुट पिबंत सारास्तु तस्तन पयो कबलास्मतस्तु गोविंदमात्मनिद्रिशा श्रुकला स्पृशंती। उसके बाद कहते हैं अगर किसका जीवन धन्य हो तो किसका है, बोले गावश्च, बोले वृंदावन में जो गैया है जो बछड़े है ना, कहते तो भैया इनका ही जीवन धन्य है। बोले इनका जीवन धन्य क्यों, बोले कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनते ही ये जो गैया और जो बछड़ा है ना, हाँ ये भी प्रेम में पागल हो जाते हैं। हाँ अगर गैया घास खा रहा है, इतने में कृष्ण बंसी बजाना शुरू कर दिया, बंसी ध्वनि सुन करके जो गैया जो घास खाते हैं उनको मुंह में घास घास रह जाती है, वो अंदर में नहीं ले पाते घास को, अंदर में नहीं ले पाते घास मुंह में रह जाती है। हाँ? अगर बछड़े दूध पीते हैं उसी समय कृष्ण बंसुरी बजाना शुरू कर दिया, अगर बंसी ध्वनि सुने ना, बंसी ध्वनि सुनते ही वो जो बछड़ा जो दूध पीता है मुंह में दूध रह जाता है, वो दूध नहीं ले पाता है, वो मुंह में जैसे के तैसे दूध रह जाता है। और क्या होता है जो दूध है वो बाहर निकाल नहीं पाता और अंदर में ले भी नहीं पाता और मुंह में दूध दूध रह जाता, और कभी कभी इधर से होते हुए ना दूध, हाँ इधर से होते हुए बहते हुए ये पृथ्वी के ऊपर गिरता, माना ये दूध पृथ्वी पी रहा है, ये दूध को पृथ्वी पी रहा है। इसलिए कहते हैं अगर कहते इनका रूप कैसे हो जाता है, जैसे एक तस्वीर में जैसे रूप बनाया ना, जैसे जैसे तस्वीर में जैसे रूप बना हुआ कैसे एक जगह में एकदम खड़ा है पूरा एक स्थान पर, कैसे कृष्ण का बंसी ध्वनि सुन करके ये जो गैया और जो बछड़ है ना पूरा जैसे मूर्ति है, जैसे मूर्ति एक जगह पर खड़े होता है एकदम ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी इधर 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 उधर वो हिल डोल नहीं पाते हैं कृष्ण की बंसी ध्वनि को सुन करके। इसलिए पीयूष मुत भीत कर्ण पुटई पिबंत, इसलिए यहाँ पर भी उदाहरण दिया कर्ण पुटई पिबंत, इसलिए कान को उन्होंने उदाहरण दिया, दुणा उदाहरण दिया है, कान रूपी धुन में कृष्ण की बंसी ध्वनि रूपी माधुर्य को ये लोग पान करते हैं। हाँ? इसलिए गोविंद मात्मनि दृशा शुक्ला स्पृशंती, फिर क्या करते हैं कृष्ण को दर्शन करते हैं, दर्शन करते हुए क्या करते हैं, दर्शन करते हुए केवल दर्शन नहीं, वहां पर तो बताया हिरणिया क्या करती है कृष्ण को दर्शन नहीं करते, उनका आरती उतारते, आरती उतारते, लेकिन यहाँ पर गैया क्या करती है, बोले गैया कृष्ण को अंदर में ले जाते हैं, उसको अंदर में ले जाते हैं, और अंदर में ले करके ना होता है ना किसी व्यक्ति को अगर हम जैसे दर्शन करें, अगर हमें अच्छा लगे कोई चीज हम क्या करते हैं उसका अपना हृदय में बैठा करके उसका हम चिंतन करते हैं, कहते तो उसी तरह यहाँ की जो गैया वो कृष्ण को अपना नेत्र रूपी नेत्र को द्वारा ले करके अपना हृदय में बैठा देते हैं और एकदम आंख बंद करते हुए
जैसे कृष्ण हृदय से नहीं निकल पाए, हाँ उनको पूरा आंख बंद करते हुए हृदय में उनको बैठा करके और एकदम उसमें झूम जाते हैं, जैसे कृष्ण हृदय से नहीं निकल पाए। जैसे बिल्लो मंगल है ना, बिल्लो मंगल नाम सुने जी, बिल्लो मंगल भी ऐसे ही है। इसलिए बिल्लो मंगल ने पहले तो उसका वेश्यावृत्ति आ सकती थी, वेश्यावृत्ति आ सकती थी, और वेश्या ने एक दिन रोज रोज वेश्या के पास में जाए, एक दिन घर में पिताजी शरीर छोड़ दिया, उसको क्रियाकर्म करने में देर हो गई, देर हो गई तो अभी क्रियाकर्म करते हुए हो गया रात, लेकिन वो वेश्या के पास में जाए बगैर उसको चैन नहीं पड़े। रात हो गया, रात को गया, जब रात को गया छत के ऊपर उठ कर गए, रात में सो गई थी, ऊपर दीवार में उठा और कूदा, वहां पर कूदा तो उसने कहा अरे क्या इतना आवाज आई, लाइट जलाया तो देखा बिल्लो मंगल। बोले तू रात में कैसे आया, ये दीवार ऊपर चढ़ा कैसे? बोले वहां पर सांप लटक रहा, ये कि रस्सी लटक रहा, तो रस्सी कहाँ आ गया? और लाइट ला कर देखा और रस्सी नहीं, वो सांप था। हाँ, वो सांप बिल के अंदर मुंह डाल देना, जितने आप निकालने की कोशिश करो निकाल नहीं सकते हो, वो सांप को उसने रस्सी निकाल कर चढ़ गया। देखा सांप, बोले तूने ये नदी कैसे पार किया, इतने बड़ा घना घोर नदी लपा लो पानी। बोले कि लकड़ी बहते हुए जा रहा था, बोले आकर देखा लकड़ी नहीं, वो सब है मरा हुआ शरीर, बदबू निकल रहा है, लेकिन वो चिंतामणि को प्रेम में इतना पागल था कि मरा हुआ शरीर को भी क्या समझ गया ये कोई लकड़ी। उसने कहा तुमने ये शरीर में इतना आसक्ति, जानते हो शरीर किस चीज से बना हुआ, टाटी पेशाब खून पीक और कुछ है नहीं इसमें, ऊपर भी चमड़ा लगा हुआ है ना, इसलिए इतना बढ़िया लग रहा है। अब सवेरे उठ करके देखना हमारे नर द्वार है, दो आंख नाक कान सब में गंदगी निकलता है, मुंह से निकलता है, कान से निकलता है, आंखों से, सारे तरफ से गंदगी गंदगी निकलता है। जब ज्यादा पसीना आ जाए ना शरीर में, देखना सारे रोम लोम रोम पसीना आ जाए, शरीर से गंदगी निकलता है। ये शरीर बोले तो इसमें इतना आसक्ति, भगवान को अगर 100 गुना से 1 गुना अगर भगवान को प्रेम प्यार कर लेता ना, अरे बड़ा पार हो जाता है। उसने बड़ा आघात मिला उसको, सचमुच उन्होंने घर छोड़ करके पहला गुरु ने चिंतामणि को माना, इसलिए उसको छोड़कर भजने के लिए गया। फिर एक सेठानी में आसक्ति हो गई, फिर उसको बाद में उसने आग दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये आग बड़ा दुष्ट है, सबसे ज्यादा दुष्ट ये आग है देखना, इसलिए सारे गंदी गंदी चीज को हाँ लेकर के अंदर में डालता रहता है। इसलिए जब भजन करने के लिए बैठो मन कहाँ कहाँ जाता है, ये आंखों से जो जो चीज देखे हो वही जाता है ना मन, ये आंखों से जो जो चीज हमने देखा है ना मन वही वही चीज को याद करता है, उधर जाता है। इसलिए उसने आंख फोड़ दिए, फिर वृंदावन में आए, फिर उन्होंने भजन किया, जब भजन किया स्वयं राधा कृष्ण दोनों आए, आंख तो अंधा हो गया, ठाकुर जी पकड़ करके वृंदावन में ले आए है, लेकिन भजन करते करते अभी राधा कृष्ण दर्शन देना चाहते हैं, उसको तो आग तो है ही नहीं, ठाकुर जी सामने आए, राधा कृष्ण दोनों आए और उसको ऊपर कृपा करना चाहते हैं। राधा रानी बड़ी दयालु है, इतने में राधा रानी उनको सुना सुना करके राधा रानी बोल रही है, बोले देखो श्याम सुंदर कि जो अंधे बाबा है ना बड़ा बदमाशी है, उनको पास में मत जाया करो है, वो एक बार पकड़ लेता ना छोड़ता नहीं, मतलब राधा रानी कह रही है तेरे सामने ठाकुर खड़े हुए पकड़ चरण को, अंधा है ना वो देख नहीं पा रहा है, बोले ठाकुर का चरण को पकड़ ले, वो तो समझ गया, इतने में कृष्ण का चरण को पकड़ ले, जब पकड़ लिए कृष्ण ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बोले हम छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर तो उन्होंने उनको दिव्य चक्षु प्रदान की, चक्षु प्रदान की तो फिर उन्होंने जुगल सरकार को उन्होंने दर्शन किया है, दर्शन करके तब बिल्लो मंगल कहता है प्रभु अगर ये तुमको एक बार दर्शन कर लिया ना, एक बार दर्शन कर लिया उसका जो झांकी है अभी अपना हृदय में, मैंने तुम्हारी झांकी को बैठा लिया, भले तो ऊपर से चरणों को छुड़ा करके चले जाओ, चलने चले जाओगे, लेकिन जिस झांकी को मैंने अपना हृदय में बंद कर दिया, हृदय में दर्शन कर रहा हूँ, इसको क्या तुम हटा पाओगे? तभी हम समझेंगे तुम वीर हो, अगर आज हृदय में जिसको तुम मैंने बैठा दिया, अगर इससे इसको अगर तुम ले गए तो, इसको अगर तुमने भुला दिया तो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जो गया है क्या करते हैं, कृष्ण को दर्शन करते हुए अपना हृदय में ले जाते हैं, बस आंख बंद करते हुए हृदय में उनको दर्शन करते रहते हैं।
इसलिए गोपियां कहती हैं अगर धन्य हो तो कौन धन्य, मतलब वृंदावन में जो गैया है ना, ये जो बछड़े हैं, ये लोग कृष्ण का बंसी ध्वनि सुन करके कर्ण रूपी दुणा में भर भर करके उसको पीते हैं, और कृष्ण का रूप दर्शन करते हुए ये पशु होते हुए भी कृष्ण को अपना हृदय में ले जाते हैं, हृदय में लेकर के हर समय उनको स्मरण करते रहते हैं। अगर धन्य हो तो किसका जीवन धन्य है, वृंदावन के गैया और बछड़ा का जीवन धन्य है। इसमें ना टीका में हमारे गोस्वामी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई बहुत, लेकिन वो एक एक चीज को पढ़ करके बोलो तभी वो चीज आती है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बात उसमें, एक एक शब्द को उन्होंने अच्छी अच्छी बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, बड़ी गहरा गहरा बात होता है। अभी एक एक शब्द पढ़ो तभी तो इसको हम ये कर सकते हैं। हाँ, इसलिए इसको बाद में कहते बोले प्राय बताम्ब बिहगा मुनयो बनेस्मिन कृष्णा खितम तदुदित कलुबे तु गीतम आरुच्छ जे द्रुम भुजान रुचिर प्रबालान श्रीनति मिलित दृश्य विगता न बाचा। यहाँ पर कह रहे हैं अगर वृंदावन में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का एक श्लोक है, कहते वृंदावन में जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये कौन है। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते कृष्ण जब प्रकट ब्रज में जब जन्म लेते हैं वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और कोई नहीं बल्कि कृष्ण का भक्त लोग। हाँ, इसलिए वो श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बोले जत किंचित गुल्म कीट मुखम गोष्ठे समस्तम हितात् सर्वानंदमयम मुकुंद दयितम लीलालुकुलम परम। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कृष्ण जब जन्म लेते हैं इतने सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कृष्ण लीलानुकुलम, कृष्ण के लीला को मदद करने के लिए सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि ये सब के सब कृष्ण लीला में ये सब के सब मदद करने के लिए आते हैं। विश्वनाथ ठाकुर जैसे कृष्ण का सुंदर कुंज है, कृष्ण का बड़े सुंदर कुंज है जिसमें जूही चमेली बेली सुंदर सुंदर जिसमें फूल खिले हुए, कहते उसमें देखना उसका अंदर में तो और कोई प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भ्रमर होते हैं जो भौंरे होते हैं ना मधुमक्खी वो अंदर में घुस जाते हैं फूल के ऊपर बैठते हैं। तो कहते भैया ये सब कौन है सब, कहते उसमें जो भ्रमर है जो मधुमक्खी जो फूलों के ऊपर बैठते हुए ये कौन है। बोले ये कोई साधारण नहीं, ये मधुमक्खी फधुमक्खी कोई नहीं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भजन करते हुए ये सब के सब सखी मंजरियों का रूप रूप में ये सब के सब ये मधुमक्खी वहां पर है, नहीं तो वो राधा कृष्ण के कुंज में कौन प्रवेश कर सकता है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं प्राण पृष्ठ सखी कुलादपि कील असंच कुंद भूमिका, जिस लीला कभी राधा कृष्ण जब निकुंज में लीला करते हैं कि जो ललिता विशाखा जो सखिया है ना कभी कभी उनको भी प्रवेश करने के लिए कठिन होता है, लेकिन वो तो भंवर ऊपर कैसे घुस गए। कहते जो लता फता उसके अंदर लता कौन फूल कौन है, कहते साधारण लता मत समझो, वो साधारण फूल उनको मत समझो जो कुंज में जो फूल और लते रूप में, कहते सब के सब राधा रानी की सखी मंजरिया है ये सब लता फता बन करके वृक्ष रूप में बन करके सब कृष्ण के सब के सब ये सेवा करते हैं। इसलिए गुरुदेव एक समय बोल रहे थे एक दिन राधा रानी बड़ी मान की श्याम सुंदर बहुत कोशिश की राधा जी को मनाने के लिए, लेकिन राधा रानी किसी तरह से मान नहीं रही थी। इतने में राधा रानी तो गुस्सा करके चली गई, जब जा रही थी इतने में एक काला सांप इतने में ऐसे तान कर खड़े हो गया। जब खड़ा हो गया राधा रानी जब देखा इतने मोटा काला सांप, राधा रानी जो मान थी ना वो निकल गई जा रही थी, इतने डर गई डर करके उसका सारे मान फान खत्म हो गया और डर करके भागते हुए आई और कृष्ण को गोद में सो गई लेट गई। इतने बड़े सांप देखा तब तो गुरुदेव कहते थे ये सांप क्या साधारण सांप है। कृष्णा जो राधा रानी को मनाते मनाते थक गए मना नहीं पाए, जो कृष्ण जो ना काम नहीं कर पाए ये सांप ने काम कर दिया, इसलिए कहते हैं सांप साधारण सांप नहीं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं लीलानुकूलम परम, ये सब के सब वहां लता पता गुल्म लता कीड़े मकोड़े
सबके सब राधा कृष्ण की लीलाओं को मदद करते हैं कृष्ण जब आते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं तद घोरी भाग्यम यह जन्म किम अटभ्याम जत गोकुल पी कथमांग रजो विषकम। ब्रह्मा जी कहते प्रभु, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी बताओ तुम क्या चाहते हो, मेरे ब्रज में कोई सखा सखी बनोगे? बोले ना 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 ना, हम सखा सखी नहीं बन सकते। बोले अगर सखा सखी नहीं बन पाओगे फिर ब्रज में कहीं पशु पक्षी रूप में जन्म ले लो। बोले नहीं 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 प्रभु, मैं पशु पक्षी बनने का इतना भी बड़ा सौभाग्य नहीं। बोले पशु पक्षी नहीं बन सकते हो तो ब्रज में कोई तृण गुल्म लता बन जाओ। बोले नहीं 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 ये तृण गुल्म लता भी हम नहीं बन सकते। बोले बता फिर क्या चाहते हो? बोले प्रभु ब्रज में तो मेरा कोई जन्म लेना मैं तो कल्पना से बाहर है, मैं तो ले ही नहीं सकता। अगर ब्रज का बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनको घर को सामने अगर हम पत्थर बन करके जन्म हो जाएगा और वे छोटे जाति के लोग मेरे सर के ऊपर चरण रगड़े चरण धोए ना, अगर उनकी चरण धूले मिल जाए तो हम तो अपना जीवन को धन्य धन्य मानेंगे। ब्रह्मा कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी से पूछे आप तो पितामह हो, ब्रह्मा हो इतने बड़े, और इतने बड़े होकर के आप इतने छोटे चीज मांग रहे हो, छोटे जाति घर के सामने पत्थर बनने के लिए, और वो चरण रगड़ेंगे उनका चरण धोली। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रज का बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं ना वो साधारण नहीं, ब्रजत मुकुंदम, उनका जो जीवन है ना मुकुंद मतलब बोले जिसका हसी कुंद पुष्प जैसे, एक फूल होता है कुंद फूल है बड़ा सुंदर सफेद रंग होता है, बोले कृष्ण का हसी कैसे है उदाहरण दिया, वो कुंद फूल जैसे उनकी हसी मतलब बड़े सुंदर उनका हसी है। इसलिए कहते हैं उनका कुंद कृष्ण का हसी ही जिनका जीवन है। ये श्रुति भी वेद पुराण भी इन लोगों का चरण की धूल को वो लोग भी प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं क्या हम श्रुतियों से थोड़ी हम बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए, ऐसे पत्थर जन्म लेना भी हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते ब्रज के गुल्म लता पशु पक्षी कीट सब के सब कृष्ण की सेवा में उनकी भजन में ये सब के सब लगे हुए हैं। इसलिए कहते हैं ब्रज में जो पक्षी हैं हाँ, कहते पक्षी नहीं सबके सब मुनि है, क्योंकि कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं ये पक्षी पेड़ के ऊपर बैठते हैं और बंसी ध्वनि सुनते ही एकदम आंख बंद करके बंसी ध्वनि को पान करते रहते हैं। जैसे मुनि क्या करता है ध्यान करता है आंख बंद करके एक मन से प्रभु को चरण में लगाते हैं। कभी इतने सारे वृक्ष के ऊपर में हाँ, जो पक्षी बैठे हुए जैसे सारे कर्म कांड को ज्ञान कांड को दूर करते हुए हाँ, जैसे सारे सारे ऋषि भक्त लोग क्या करते हैं भक्ति रूपी डाल में बैठी करके भक्ति को द्वारा प्रेम रस का आस्वादन करते करते लगता है ये जितने सारे पक्षी ये जो कृष्ण का बंसी ध्वनि सुन रहे हैं सचमुच इनका जीवन धन्य है। आंख बंद करते हुए पूरा बंसी ध्वनि को हृदय में लेकर के कृष्ण रूप को लेकर के मुनि जैसे सबके सब बैठे हुए। इसलिए सब अगर जीवन धन्य किसका है तो ये पक्षियों का जीवन धन्य है। तथा गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल, फिर जो बाकी रह गया ना हम इसको कल खत्म कर देंगे ठीक है, और दो चार श्लोक बाकी रह गया कल इसको फिर सुन लेंगे ठीक है ना। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे नित्य गौर हरि बोल।